या चौपाल या सब बड़ा बड़ेरा, सब बड़ा बड़ेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, काकरिया ने सजाया आओ जी। भाई बहनों राम राम। चौपाल कार्यक्रम में आपको सबको स्वागत है। चौपाल कार्यक्रम में आपने अलग अलग जानकारी इन कार्यक्रम में मिला है। देखो आज दुनिया में संचार की क्रांति चल रही है। संचार को मतलब है कंप्यूटर युग, इंटरनेट युग, और ये सब चीज़ों में आपने इन युग के साथ में चाल और अपनी प्रगति करनी है। तो आज को जो विषय जो आपके सामने ले रहे हैं वो कैशलेस कया लेन देन करा, यानी बिना नगद को लेन देन किन तरह से कर सका हाँ, यानी का लेन देन है, कौन कौन सा तरीका इन लेन देन में काम में ले सका हाँ, और बिना पैसा के लेन देन की तरह से होना आपने कार्यक्रम में पधारे है। संदीप भारद्वाज जी, भारद्वाज जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप मैनेजर है सिस्टम और SBBJ बैंक का मायन है, आपने मुख्य जो प्रधान कार्यालय है यहाँ पर जयपुर का मायन मायन, और ये आपने वो सब चीज़ें बतावला जिसे आप बिना नगद का लेन देन कर सका, और आपने जो दिक्कत आ रही है या जो आप समझ सका हाँ वो ऐसा सबसे समझा। तो संदीप जी आप सबसे पहले बताओ कि ये कैशलेस प्रक्रिया काई है, कितना से हो रही है? कैशलेस बहुत आसान तरीका है। जैसे हम जब भी कुछ सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, बस का टिकट खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैसा नकद देते हैं, नोट देते हैं, रेजगारी देते हैं। तो अब क्या तरीके हैं हमारे पास में कि हम बगैर नोट के, बगैर रेजगारी के भी लेन देन कर सकते हैं, उसी को हम कहने लगे हैं कैशलेस लेन देन। भरदा जी बात समय कहवा का मतलब है कि बिना पैसा के कोई भी सामान खरीदना, चाहे सब्जी खरीदना, चाहे परचुनी की सामान खरीदना, चाहे मोटरसाइकिल खरीदना, चाहे आपका गाड़ी खरीदना या कोई भी चीज़ खरीदना, सब बिना पैसा के। तो अया को जो प्रक्रिया है या कौन कौन सा तरीका है जिसे आप ये कर सकें बिना पैसा के लेन देन? तरीके अनगिनत हैं, पर मुख्यतः हमारे पास में कार्ड्स हैं, मशीनें हैं, पॉस मशीन, उसके अलावा इंटरनेट से कर सकते हैं आप, मोबाइल से कर सकते हैं आप, बटुए से कर सकते हैं, USSD से कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, माइक्रो ATM से गांव में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और दादा जी सारी चीज़ें बता दिया, बहुत सी चीज़ें बताई, अब एक एक आपने बताओ। सबसे पहले थे कार्ड बताया, तो कार्ड से जो लेन देन है वो बिना पैसा कहीं लेन देन हो जाए, कार्ड ही तो है, तो कार्ड से कहीं लेन देन हुआ है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ वहाँ ग्राहक। देखिए कार्ड जो है तीन तरीके के मुख्यतः हैं, प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। प्रीपेड कार्ड ये इसी तरह से जैसे आपका ATM का कार्ड होता है उसी तरह से दिखता है। यदि आपके पास में बैंकिंग खाता नहीं है और आप उससे लेन देन करना चाहते हैं, तो जैसे आपने मोबाइल में पैसा चार्ज करते हैं तो मोबाइल उतना ही चलता रहता है, तो आपके जो है प्रीपेड कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, आप कैसा भी निकाल सकते हैं, आप दुकानदार पर जाकर सामान भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास में डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है कि जो आपके सेविंग बैंक खाता है, बचत खाता है, उससे जुड़ जाता है, और जितना पैसा आपके पास में खाते में है उतने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीपेड कार्ड में क्या था कि जितना पैसा आपने लोड किया है, जितना आपने चार्ज करवाया है उतने तक ही चलेगा, यानी खाता में से निकाल और उनमें आपके प्रीपेड का उनमें गार्ड में डाल। बिल्कुल बिल्कुल, उसका फायदा ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को कुछ खरीदारी देनी है या पॉकेट मनी देनी है या आपने घर में कुछ खर्चे के लिए घर में पैसा देना है, तो जितना पैसा आप निकाल के देना चाहते हैं उतना आपने कार्ड में डाल दिया और उतना ही पैसा आपका इस्तेमाल होता रहेगा। जब पैसा खत्म हो जाए आप उसमें और पैसा डाल सकते हैं। इससे क्या हो गया कि आपकी एक सेफ्टी भी होगी, आपकी सुरक्षा भी होगी कि सारा का सारा पैसा जो है आपका एक्सपोज नहीं हुआ। मतलब अगर कार्ड खो भी जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है कि अरे मेरा कैसे काम चलेगा, तो आपके पास में प्रीपेड की बजाय डेबिट कार्ड भी है। पर हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि प्रीपेड कार्ड यदि आपका खो भी जाता है तो आपको बैंक द्वारा नया कार्ड दे दिया जाता है और उतना ही बैलेंस आपको मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे मान लीजिए चोरी हो गए, तो पैसे चोरी है तो वापस नहीं आते, पर प्रीपेड कार्ड अगर चोरी हो गया या डेबिट कार्ड आपका चोरी हो गया तो आपके पैसे सुरक्षित है। नहीं, आप चोरी की बात बताए तो चोरी मान लो होगी तो उसे वो चोर उनसे पैसा निकाल कौन सा गए? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकता, क्योंकि कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपका 4 अंकों का डिजिट पिन नंबर ही आपका जो उसके माध्यम से ही आप कर पाते हैं। यदि आपने ये 4 अंकों का नंबर किसी को बता दिया तो व्यक्ति आपका पैसा निकाल सकता है। तो 4 अंकों का जो पिन है वो हमेशा याद रखें और कभी भी किसी से साझा ना करें। जी हाँ जी, संदीप जी वो बहुत बहुत बढ़िया बात है कि कार्ड से लेन देन हो। एक ग्रामीण भाई ने रुपये कार्ड भी चला रखी है सरकार, तो वो कहीं है उनके बारे में बताओ, उनसे कहीं लेन देन कर आपके बिना पैसा का काम कर सके? ये
रुपे कार्ड जो है अभी एक नए तरह के कार्ड सरकार ने चालू किए हैं एनपीसीआई के माध्यम से, वो बिल्कुल जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है उसी तरह का कार्ड है। उससे आप अपना पेट्रोल भी भरा सकते हैं, बिजली भी भर सकते हैं, कैश भी निकाल सकते हैं, एटीएम पे जाके सभी वो काम कर सकते हैं जो आप अपने डेबिट कार्ड से करते आए थे अभी तक। ठीक है वरदा जी, ये तो हुई आपने कार्डों की बात। तो कार्डों से आप बहुत सो पैसा को लेन देन कार्डों से कर सका हाँ, और बहुत सा काम अपना उनसे कर सका। अब एक मशीन और चली है, अब मशीना के बारे में बताओ कि मशीन से बिना नगद के लेन देन आप कर सका और आपने आवश्यकता की वस्तु उनसे आप खरीद सका, ये कहीं देखिए कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस तरह की पॉश मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी दुकानदार भाई जो चाहते हैं कि हमारे कैशलेस ट्रांजेक्शन हो, तो इस तरह की पॉश मशीन उनके पास में होती है और आप अपना कार्ड के माध्यम से उसको वहाँ पर स्वाइप करते हैं और अपना जो 4 अंकों का पिन है वो छुपा कर इसमें अंकित कर दें। ध्यान रखें कि कोई और देख ना रहा हो। और फिर उसके बाद में जब वो लेन देन पूर्ण हो जाता है तो एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची को आपको ध्यान से संभाल के रखना है, क्योंकि मान लीजिए कल कोई झगड़ा है, कोई बातचीत है, तो पर्ची उस बात का गवाह है कि आपके जो लेन देन हुआ था उसमें आपने इतना पैसा दिया है, तो उस पर्ची का आपको ध्यान से संभाल के रखना है। यानी ये मशीन से तो यानी जो भी दुकानदार भाई है वो इन्हें रखकर और वो इनकी सुविधा अपन देवा है। यदि मान लो इनमें कई बार कहीं हुआ कि जो प्रक्रिया है वो सही तरीका से नहीं हुई, तो उनको कहीं समाधान हुआ इनके बारे में माँ के, क्योंकि कई डर है कि मशीन का मायने मान लो ज़्यादा पैसा लग गया या पैसा नहीं बताया, तो इनको कहीं तरीको है। देखिए जब कभी भी आपको रसीद मिल रही है इसके माध्यम से, तो पहले आप रसीद में देख लें कि आपने जितना पैसा देना था उतना ही दुकानदार ने लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लेन देन के दौरान में आपको कोई दिक्कत आ गई और पैसा आपका लिया नहीं गया, तो उसके लिए क्या करें कि आप उस दुकानदार को बता दें। दुकानदार शाम को जब अपना हिसाब मिलाते हैं तो शाम को वो अपना हिसाब मिलाने के दौरान में वो पर्ची का हिसाब देख लेंगे कि क्या इसके अगेंस्ट पैसा मिला, क्या इसके बदले पैसा मिला या नहीं मिला। यदि पैसा नहीं मिला है तो आपको देना होगा, यदि मिल गया है और आपका लेन देन वाली चीज़ आपको नहीं मिली है तो आप दुकानदार को जाके कह सकते हैं। मान लीजिए फिर भी उसके बाद भी कोई झगड़ा नहीं खत्म होता, दुकानदार और आपके बीच में कोई समझौता नहीं होता, तो उसके लिए आप अपनी शाखा में जाके उसमें शिकायत कर सकते हैं कि मैंने एक दुकानदार को पैसा दिया था और उनको पैसा नहीं मिला जबकि मेरे खाते से पैसा निकल गया है। तो बैंक जो है जल्दी से जल्द उस पैसे का निराकरण करके आपको बतला देता है। यानी संदीप जी बात समझ में आ गई है कि पैसा या तो उनका खुद का बैंक में पड़ा वाला या जो दुकानदार है उनका खाता में चलेगा वाला, दो ही चीज़ों खड़े बीच में तो जा घूम सके, बिल्कुल नहीं जा सके। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि कार्डों से और मशीनों से काम कर सका। एक बाद में आजकल इंटरनेट का युग है, इंटरनेट से भी कैश की बिना कैश का लेन देन को बहुत काम हो रहा है, तो एक बारे में अगर दर्शक भाई ने विस्तार से बताओ किस तरह से इंटरनेट ने काम ले और काम अपना कर सका। देखिए दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। आज सभी बच्चे जो नई पढ़ाई कर रहे हैं वो इंटरनेट के बारे में भी पढ़ रहे हैं और बैंक में भी सभी इंटरनेट की तरफ आगे बढ़ते हुए इंटरनेट बैंकिंग को काफ़ी समय से चालू कर दिया। अब यदि आपको रेलवे का टिकट लेना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, आपको अपना टैक्स जमा करना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, आपको बिजली का बिल जमा करना है तो आप उसके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल का बिल जमा करना है तो आप उसके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, जो भी आप चीज़ सोचते हैं, किसी भी प्रकार की आपको चीज़ लगती है कि मुझे बैंकिंग से लेन देन करना है बगैर कैश के, जब आपके बैंक में जाते हैं बहुत सारे लेन देन करते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको जो है नॉमिनेशन नामांकित जो देते हैं वो भी आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब तो ये भी हो गया है कि इंटरनेट बैंकिंग को आप मोबाइल से भी चला सकते हैं। उसको चलाने के लिए आपको एक छोटी सी ऐप एप्लीकेशन, जैसे आप देखते हैं कि तरह तरह की मोबाइल में एप्लीकेशन चलती है, वो ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए और जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस तरह से स्क्रीन आ जाता है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद, और काफ़ी सारी सुविधाएं जो मेन मुख्य सुविधाएं हैं वो सारी आपको मोबाइल पर ही मिल जाती हैं कि आपके लेन देन की जानकारी, आपका पैसा कितना बचा हुआ है, आपको बिजली बिल पानी के जो मेजर जो मुख्य बिल हैं वो सब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ही दिख जाते हैं। जी हाँ जी, यानी मैं तो ये समझ रहा हूँ कि भाई इंटरनेट तो उनमें कंप्यूटर में चला है, पर आप तो बता रहे हो कि ऐसे मतलब उनमें भी काम मिले और मतलब मोबाइल में भी काम ले सका। एक ई बटवा के बारे में भी काफ़ी बातचीत चली है, आपको प्रधानमंत्री जी भी खूब गए कि ई बटोरा को, तो ये बटवो तो एक ई बटो का ही भाई के बारे में बताओ। पहले मैं आपको मोबाइल के बारे में बात बताता हूँ, आपने अभी कहा कि इंटरनेट मोबाइल से चलने लगा। जी हाँ जी, अब इस तरह के स्मार्टफोन सभी के पास जनरली आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जैसे आपके पास में जेब में बटवा है, अब बटुआ गिर गया तो पैसे आपके गिर गए, पर मोबाइल में जो आपने बटुआ डाल दिया है
वो मोबाइल में जो बटवा है आपका, उसके माध्यम से आप पूरे दुनिया में लेन देन कर सकते हैं। आप दुकान पे गए, आपने गोलगप्पे खाए, तो आप गोलगप्पे के पैसे उससे दे सकते हैं। चाय के आपने 5 रुपए भी देने हैं तो 5 रुपए का भी आप उससे लेन देन कर सकते हैं। छोटे से छोटा लेन देन करने के लिए भी आपको बटवे के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके लिए भी एक छोटी सी एप्लीकेशन आपके मोबाइल ऐप पे लोड हो जाती है और आप इस तरीके के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको चला सकते हैं। इस तरह की कई सारी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं जिससे अलग अलग आप काम करते हैं, तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हैं आपके पास में। पर मुख्यतः आप जो बटवा यूज़ करते हैं वो केवल एक दूसरे को लेन देन, छोटे लेन देन के ही काम आता है। तो जैसे आपने किसी को ऑटो में गए आप, और ऑटो में गए आपने उसको 100 रुपये देने थे, तो आप उसको 100 रुपये पैसे मोबाइल से ना, मोबाइल से ही दे सकते हैं, जेब से ना निकाल के। तो ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई। उसके अलावा आप सब्जी वाले के पास में गए तो सब्जी वाले को भी आप इसी के माध्यम से पैसा दे सकते हैं। आपने अपने घर में काम करने वाले को पैसा देना है तो भी आप इस बटुए के माध्यम से दे सकते हैं। और जितना पैसा आप बैंक से निकाल के बटुए में रखते हैं उतना ही पैसा आप निकाल के इस बटुए में भी रख सकते हैं। यानी कि जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना ही पैसा इसमें डाल के रखें। जरूरत नहीं है आप सारा बैंक का पैसा इसमें निकाल के रख लें, जितना जरूरत है उसके अनुसार आप मोबाइल के बैंक से कर सकते हैं। समझ में आएगी कि जी बटवा में पैसा रखा ना, जी 2000 पैसा रखे तो बटवा में आप रख और उनसे इंटरनेट बैंकिंग से आप उनको भुगतान कर सका। और एक और मजेदार बात यह है कि अब ये जो बटवे हैं ये 13 प्रांतीय भाषाओं में उपलब्ध है। आपकी अपनी हिंदी भाषा में भी आप इससे लेन देन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं लोग तो वो लेन देन नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषी या तेलुगु भाषी, तमिल भाषी, 13 प्रांतीय भाषाओं में भी आप इनसे लेन देन कर सकते हैं। जी हाँ जी। अब जो ये बटवा की बात बताया, ये तो समझ में आएंगे कि बटवा की तरह ये आप पैसा रख सका। एक बाद में मान लियो थे तो ये बता दिया है, बड़ा बड़ा फ़ोन बता दिया माँ के ग्रामीण भाई का, छोटा छोटा फ़ोन हुआ है ना, और उमें इंटरनेट भी कौन हुआ है, तो आया की स्थिति में वहाँ के लिए भी कोई इनमें व्यवस्था चाहिए था कि जो पूरा संचार की क्रांति चल रही है, मोबाइल तो सबको मिल जावला पर ये जो इंटरनेट और ये इन तरह का वहाँ का कौन हुआ, तो वहाँ के लिए भी कोई व्यवस्था है उनकी जानकारी दें भाई। सरकार ने हर व्यक्ति के लिए बैंकिंग सुविधाएं पहुँचाने के लिए लगातार कार्यरत है, और उसी क्रम में एक सुविधा शुरू हुई है जिसका नाम है USSD। आसान भाषा में बोलें तो *99#, *99#। आपके पास में साधारण फ़ोन जिसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं भी है वो भी आप अपने *99 के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक सिंपल सा काम करना है, एक साधारण सा काम। आपका खाता जो है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। यानी एक बैंक में खाता हो जरूरी है एक तो। हाँ बिल्कुल। हाँ। बैंक के खाते के बगैर कैसे लेन देन करेंगे आप? आपने दिखा रहे हैं ये माने टीवी में भी दिखा रहे हैं कि भाई बैंक में खाता है, उनके बाद में वो नेटवर्क भी मायने में है, तो ये सब चीज़ें ये चीज़ ध्यान रखने की है कि आपने जब खाता खोला है तो आपका जो मोबाइल का नंबर है वो बैंक में अर्जित हो। यदि वो बैंक में आपके खाते से जुड़ा हुआ है तो *99# करने से आपके पास में बैंकों की लिस्ट आ जाती है। जैसे अगर आपने *99## दबाया तो स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर की सारी सुविधाएं आ जाएंगी। आप उसके माध्यम से अपने 6 मेन कार्य कर सकते हैं। पैसे का जो लेन देन है उसकी जानकारी, आपके जितना पैसा उपलब्ध है उसकी जानकारी, लेन देन किसी और को, दूसरे एक व्यक्ति को करना है वो भी कर सकते हैं, किसी और को पैसा देना है वो भी आप कर सकते हैं इसके माध्यम से। यानी साधारण फ़ोन से भी आपको बिना पैसा का लेन देन और बिना पैसा का आप कोई भी चीज़ खरीद सकें, कोई चीज़ को अपन भुगतान कर सकें, ये बिल्कुल आप बताया। अब मान लियो खातों कौन है और बिना खाता भी आप लेन देन कर सकें, हाँ एक बारे में मैं दर्शक भाई ने बताओ कि बिना खाता के लेन देन किस तरह से कर सकें। यदि आपको अपना खाता नंबर नहीं याद है, खाता नंबर, आपके पास मोबाइल भी नहीं है, डेबिट कार्ड भी नहीं है, और आप किसी गांव की जगह में भी हैं जहां पे आप किसी से उधार भी नहीं ले पा रहे, तो क्या करें? उसके लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है जिसका नाम है आधार के माध्यम से भुगतान। इसको हम बोलते हैं आज की तारीख में AEPS, आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली के लिए आपका खाता जो है उसमें आपका आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए। आप किसी भी AEPS, जैसे आप जानते हैं बैंक मित्र आप गांवों में होते हैं, उनके पास जाके इससे लेन देन कर सकते हैं। पर इस सुविधा को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपका जो आधार नंबर है वो बैंक में जुड़ा होना चाहिए, और उसके बाद में आपको उसमें ना तो कोई पिन की जानकारी याद रखने की, ना आपको अपने खाते की नंबर जानकारी याद रखने की जरूरत है, ना ही आपको कोई और जस्तरे की, बस आपको अपना आधार नंबर पता होना चाहिए और आपकी अपनी उंगली जो है
उसके माध्यम से आप अपना लेन देन कर सकते हैं जी। यानी खाता नंबर भी भूल गया जी और मोबाइल भी कौन है जी, तो आधार को जो नंबर है उन्हें ध्यान रखकर भी आप भुगतान कर सका हाँ जी, और अपनी मनमाई चीज आप ले सका हाँ जी जी। अब एक जो बात आवा है कि छोटा मोटा दुकान से आप जो सामान खरीदा जी तो उनमें बिना जैसे यहाँ 100 रुपए की सब्जी खरीदनी है जी, तो वो किस तरह से खरीद सका एक बार हम मार्गदर्शन मैंने बताओ। छोटी खरीदारी के लिए एक तो मैंने आपको जैसा बताया कि आप पॉस मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आधार के माध्यम से भी कर सकते हैं। जी जी। आपने देखे होंगे दो तरह की मशीनें होती हैं, एक तो मैंने आपको जैसे दिखाई कि एक मशीन तो जिसमें कि कोई उंगली रखने का निशान नहीं है जी जी। और एक मशीन ऐसी जिसमें कि उंगली रखने का भी निशान आप बना सकते हैं। तो जब कभी भी आपको यदि आधार के माध्यम से पेमेंट करनी है तो आपकी उंगली वाला जो पॉस मशीन है उसके इस्तेमाल से आप अपना भुगतान कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो मैंने बटुआ बताया वो सुविधाएं थी, पर मान लीजिए आपको तो पता नहीं है कि दुकानदार का पैसा जिसको हमने देना है वो कौन से बैंक में उसका खाता है। अब उसके लिए क्या है, यूपीआई सुविधा आ गई है। यूपीआई सुविधा के लिए आपको एक अपने मोबाइल में छोटी सी एप्लीकेशन, जैसे कि आप मोबाइल में SMS के लिए करते हैं और भी सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं, तो एक छोटी सी ऐप जिसको हम UPI कहते हैं, भीम के नाम से भी आ रही है, SBI पे के नाम से भी आ रही है, किसी भी बैंक की किसी भी लेन देन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 14 से कितने भी चाहें बैंकों के खाते जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस बैंक की आपने एप्लीकेशन ली है उसका ही खाता जुड़ा होना चाहिए। अब आपको जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति का खाता नंबर पता हो या उसका मोबाइल नंबर पता हो या कोई उसके और बारे में जानकारी, उससे केवल आपने इतना पूछना है कि आप अपना UPI का अपना जो नाम है, जैसे ईमेल बनाते हैं हम संदीप भारद्वाज @SBBJ, ऐसे ही आपका उस पर एक नाम बन जाता है जिसके माध्यम से आप नाम से लेन देन कर सकते हैं। तो UPI की ऐप के माध्यम से आपको हाथ के हाथ पैसा मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि बाद में पैसा आएगा बाद में मिलेगा, पैसा आपने दिया और आप दूसरे दुकानदार के हाथ खाते में हाथ के हाथ आ गया और लेन देन वहीं पे समाप्त हो जाता है। बाद में गला कोई चक्कर नहीं है, इमीडिएटली उधर तुरंत सब कुछ काम हो जाता है आपका। जी जी संदीप जी, इन सब के प्रक्रिया की जानकारी और बढ़ावा देवा के लिए किस तरह से काम हो रहे है एक बार हम आगे बताओ कि भाई कहीं कहीं मतलब जो तरीका का लोगों ने जानकारी मिले ले जब तो इन चीज़ ने समझ सका है, जैसे आप कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों ने बता रहे हैं तो डिजिधन मेलो ये कहीं है इनके बारे में बताओ और इन संबंध में और कहीं प्रक्रिया चल रही है बताओ। डिजिधन मेला बैंक, सरकार और सभी सरकारी संस्थाएं मिलकर बना रही हैं अलग अलग जगहों में, जयपुर, अलवर, खैरतल, ऐसे सभी जगहों में छोटे छोटे संख्याओं में और बड़ी बड़ी संख्याओं में अपने अपने अनुसार इसको कार्यक्रम को करा जा रहा है। आपने जयपुर में देखा होगा कि अपने अंबेडकर सर्कल के पास में लाखों लोग आए थे जिन्होंने डिजिधन मेले में पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही हमने और जगहों में भी इसका पार्टिसिपेशन किया, प्रतिभागिता करी है, जिसके माध्यम से आपका खाता खोलने की प्रक्रिया, पिन देने की प्रक्रिया और जो अलग अलग कैशलेस लेन देन के तरीके हैं उनकी जानकारी भी उसमें दी जाती है। आप कैसे अपने कार्ड का इस्तेमाल करें, कैसे AEPS का इस्तेमाल करें, कैसे UPI का इस्तेमाल करें, कैसे *99# का इस्तेमाल करें, हमने इस जो अपने पुलिस भाई हैं उन लोगों के लिए भी किया, गांवों में जाके भी किया, उसके अलावा हमने जो आर्मी के जवान हैं उन लोगों के लिए भी कार्यक्रम किया, ऑटो वालों के लिए कार्यक्रम किया, समाज के हर तबके के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, गांव-गांव जाके किए जा रहे हैं। उसके अलावा डिजिटल मेले के अलावा जो हमारे बैंक मित्र हैं वो भी गांवों में बैठे होते हैं और जो भी एक दो जने भी यदि आते हैं तो उनको भी बैंकिंग के लेन देन के बारे में बताते हैं और बैंक के खाते खोलने में, उनको चलाने में मदद करते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि शाखा आपके गांव में हो, आप बैंक मित्र के माध्यम से अपने गांव में लेन देन कर सकते हैं। यानी जागरूकता का पूरा प्रबंध कर रखा है, मेला भी लगा रहा हो और मतलब गांव गांव जा और लोगों ने शिक्षित में आप कर रहे हो, इन सब के साथ में सरकार भी इन चीज़ ने बढ़ावा देवा के लिए यानी इनामा की भी घोषणा कर रखी है, तो यह इनाम कहीं है किस तरह से लेकर ले सका है एक बारे में दर्शक मैंने बताओ कि कैशलेस व्यवस्था से जुड़वा के लिए सरकार जो इनाम रख रखी है उनको किस तरह से फायदा उठा सके, कई इनाम प्राप्त कर सके और कहीं इस पूरा सिस्टम से जुड़ सके। मैंने आज ही सरकार की वेबसाइट पे देखा था 1.97 नागरिक आज डिजिधन के साथ में जुड़ गए हैं, 6.115
दुकानदार जो हैं इसके साथ में जुड़ गए हैं और 5,000 से अधिक कैंप लगाए जा रहे हैं। सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए, कैशलेस पेमेंट्स के लिए बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनाम घोषित किए हैं, जिसमें ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन, 15,000 ग्राहकों के लिए 100 दिन तक लगातार हर रोज 15,000 लोगों को 100 दिन तक 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति देने के लिए इनाम घोषित किया। आप जैसे आपने पेमेंट किया, आपने भुगतान किया रुपे कार्ड से, तो रुपे कार्ड से आपने जब कभी भी लेन देन किया, खरीदारी करी, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आपको उसमें पैसा मिलने के जो है चांस बन जाता है। उसके अलावा आपने AEPS के माध्यम से कोई भी लेन देन किया तो भी आपको मिलने की पूरे पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। *99# जो हम कह रहे हैं, *99# के माध्यम से आपने अपने मोबाइल के माध्यम से पेमेंट किया, भुगतान किया, कोई लेन देन खरीदारी करी, तो भी आपको इनाम मिलने की पूरी पूरी संभावना बनती है। ऐसे ही आपने, यदि आप स्मार्टफोन यूज़र हैं और आपने UPI ऐप के माध्यम से कोई लेन देन किया, तो भी आपको इनाम मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा दुकानदारों के लिए भी सरकार ने जो है साप्ताहिक इनाम घोषित किए हैं, जिसमें कि 25,000 रुपये तक के इनाम उसमें साप्ताहिक दिए जाते हैं। और सरकार ने ये भी कहा है कि बम्पर इनाम दिया जाएगा। इस पूरी जो डिजिटल का जो कैंपेन चल रहा है, उसके बाद में सबसे बड़ा जो इनाम है वो 1 करोड़ रुपए तक का। संदीप जी को तो मतलब फायदा खूब दिखा है, ये कमायन है, तो कहीं कहीं फायदा एक ही जानकारी दी जो दर्शक भाई से जुड़ा है और ये फायदा भी उठावा। देखिए, आप पास में सब्जी ले रहे हैं, खाद ले रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर का कोई सामान खरीद रहे हैं, डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट से यानी कि कैशलेस माध्यम जो सरकार ने आपको 4 मुख्य बताए हैं, जिसमें इनाम जीतने की पूरी संभावना है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, रुपे कार्ड, *99#, UPI और AEPS यानी कि आधार के माध्यम से पेमेंट, आधार के माध्यम से भुगतान, ये 4 तरीकों से आप इनाम पाने के हकदार हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप जरूर लें। मुझे लगता है शर्मा जी कि हमारे जो श्रोतागण हैं, देखने वाले लोग हैं, उनमें से एक ना एक जरूर इसमें से बम्पर प्राइज भी लेके जाएगा। जी बिल्कुल, वो तो सब लोग इन व्यवस्था जुड़ला और व्यवस्था जुड़ला ही तो उनको आगे प्रगति होली। जी अब आप, मैं था से एक जानकारी और ले बचाऊँ कि जी हाँ, शादी ब्याह में गिफ्ट देवा, जन्मदिन पर गिफ्ट देवा, इस तरह से इनमें भी कैशलेस को किस तरह से मैं व्यवस्था कर सका जियो में, कि ये बात एक जानकारी छोटी सी दे। देखिए, शादी में पैसा लेने वाले और पैसा देने वाले दोनों के लिए दुविधा है कि पैसा संभाल के कैसे रखें। अब मैंने आपको बताया था प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि आप जितना चाहे पैसा लोड करके दे सकते हैं। आपको चाहे 251 रुपये देने हों, चाहे 5100 रुपये देने हों, चाहे और ज़्यादा पैसा देना हो, जितना सामर्थ्य अनुसार आपको शगन देना है वो उसमें लोड करके आप प्रीपेड कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। शादी में आपका पैसा खोने के संभावनाएं कभी कभी हो जाती हैं, पर कार्ड से आपका पैसा सुरक्षित है और वो पैसा आप खरीदारी के लिए और सभी चीज भुगतान के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। जी हाँ जी, और इनमें कोई नई जानकारी आप देबो चाहो कि कैशलेस व्यवस्था में किस तरह से मैं भाई बहनी काम कर सके, जो आप दे सक बताओ आप। सबसे जरूरी है कैशलेस के भुगतान में अपनी सुरक्षा। सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे कार्ड्स की, तो उसका जो पिन है वो कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपने मोबाइल में एप्लीकेशन बनाई या इंटरनेट बैंकिंग में आपने अपना यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड बनाया, तो ये पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं बताना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग फोन पे झूठे झूठे फोन करके आपको कुछ बताते हैं कि आप इतना इनाम जीत गए, या ऐसे बोलते हैं कि मैं इसी फला सरकारी संस्था से बोल रहा हूँ, या आपको ऐसा भी बोलते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, तो आप अपनी कुछ जानकारी दे दें, अपना कार्ड नंबर या अपना पिन, या आपको कोई नंबर मोबाइल पे आया होता है, आप ध्यान रखें ऐसे भारद्वाज फोन कॉल से बच के रहें। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो सुरक्षा तो रखनी पड़े। इनको जो आज को आप जानकारी दी, इनको एक सारांश में माँ के दर्शन में बताओ जो याद रखें और उन पर अमल से काम करें, अमल लें। देखिए, हमने भी सारी इतनी सारी बातें करी और सार के लिए हमें एक अपने हमने बात करी कि यदि आपके पास खाता है तो क्या क्या करें। खाता है यदि आपके पास में, तो आपको स्मार्टफोन है तो आप UPI के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्टफोन नहीं है तो *99# के माध्यम से फोन अपना लेन देन कर सकते हैं।
और उसके अलावा अपना डेबिट कार्ड से भी लेन देन कर सकते हैं और आधार के माध्यम से अपना AEPS के माध्यम से कर सकते हैं। और यदि आपके पास में खाता नहीं है तो प्रीपेड के माध्यम से POS मशीन के द्वारा आप लेन देन कर सकते हैं। मैं सभी ग्रामीण भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक बार और सार को देख लें कि खाता है तो क्या करना है, खाता नहीं है तो क्या करना है, और अपनी जरूरत अनुसार उस प्रोडक्ट बैंकिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और कैशलेस होने में सभी को आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। जी भारद्वाज जी, आज जो थे कार्यक्रम में मैंने जानकारी दी, मैं समझूँ कि मैं दर्शक भाई बहन बिल्कुल इस कार्यक्रम की जो जानकारी ले और कैशलेस बनसी यानी बिना नगद के भुगतान करसी, और जो थे फ़ायदा बताए हो कि खोबा को फ़ायदा ख़त्म और फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो आज की जो जानकारी दी उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम उस समय समाप्त हो रहे हैं। भाइयों राम राम। राम राम।